दोस्तों, बिहार के छपरा जिला के विभिन्न क्षेत्रों में हर साल कार्तिक मास के नवरात्रे में सभी स्थानों पर शक्ति की देवी माँ दुर्गे की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन यहाँ श्री महावीर जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना को प्रधानता दी जाती है। दोस्तों, यहाँ करीब एक दर्जन लाइसेंसी अखाड़े हैं, जिसमें तीन स्थानों पर ही शक्ति की देवी माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाकर पूजा अर्चना की जाती है। जबकि दोस्तों, शेष सभी आंकड़ों में अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान जी का ही प्रतिमा बनाकर पूजा अर्चना की जाती है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रे में माँ दुर्गे की महानता ज्यादा देने के बजाय हनुमान जी की महानता सारण जिले में क्यों है। तो चलते हैं दोस्तों, रिबिलगंज प्रखंड के महावीरी पूजा के मूर्ति स्थापना से लेकर के मूर्ति विसर्जन तक के जानकारी हम इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों, बिहार के छपरा जिला के विभिन्न क्षेत्रों में हर साल कार्तिक मास के नवरात्रि में सप्तमी से महावीरी आंकड़े को लेकर काफी उत्साह रहती है। इसी अवसर पर काफी संख्याओं में लोग बैंड बाजो एवं हाथी घोड़े के साथ यहाँ पे शामिल होते हैं। इसी दौरान जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंजती रहती है तथा जगह जगह सभी आंकड़ों में रामायण वेद पुराण की कथाएं नाटक के रूप में दिखाया जाता है और लाइटों की सजावट की रोशनी देखने और हनुमान जी दुर्गा एवं अन्य देवी देवताओं के दर्शन करने दूर दूर से लोग यहां पे आते हैं। दोस्तों, नवरात्रि मेला या आप कह सकते हैं हनुमान जी का मेला, मेले का प्राचीन धार्मिक और ऐतिहासिक गोदना सेमरिया के प्रतिमा विसर्जन मेला का गौरवशाली इतिहास रहा है। गोदना में महर्षि गौतम ऋषि का आश्रम है। महर्षि गौतम की पुत्री अंजनी के पुत्र हनुमान जी है। यह रिबिलगंज का इलाका हनुमान जी का ननिहाल कहलाता है। इसी धार्मिक मान्यता के कारण हनुमान जी की पूजा अर्चना यहाँ सबसे ज्यादा होती है। यही कारण है दोस्तों कि रिबिलगंज प्रखंड में हनुमान जी का नवरात्रि में ज्यादा से ज्यादा पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, यहाँ पे नवरात्रि के सप्तमी तक सारी मूर्तियां प्रतिमाएं तैयार कर ली जाती है तथा माँ दुर्गे की सप्तमी को स्थापना कर दी जाती है और हनुमान जी का नवमी के दिन स्थापना कर दी जाती है। और दोस्तों, सप्तमी और नवमी से लेकर एकम तक पूजा अर्चना लगातार चलता रहता है तथा दूज के दिन विसर्जन का मेला शुरू कर समाप्त की जाती है। दोस्तों, सुबह में प्रतिमा को हस्त चलित रथ या बैलगाड़ी पर रखी जाती है तथा अपने अपने मोहल्ले नगर में महावीर और दुर्गा को भ्रमण कराया जाता है। दिन भर अपने अपने क्षेत्र में घुमाने के बाद सभी आंकड़ा महावीर जी और दुर्गा जी प्रतिमा के साथ रात में गोदना स्थित महर्षि गौतम ऋषि के मंदिर के पास आंकड़ा के हिसाब से लाइन में लग जाते हैं। दोस्तों, नंबर एक पे सबसे पहले पक्की ठकुरबाड़ी का आंकड़ा नंबर एक होता है और उनकी प्रतिमा बहुत बड़ी और विशाल काय बनाई जाती है। और दूसरे नंबर पे आखरा नंबर दो हाई स्कूल चौक के हनुमान जी को रखा जाता है, वो भी विशाल काय और बड़े बनाए जाते हैं। और वैसे ही आखरा नंबर के हिसाब से गोदना मोड़ के दुर्गा जी तथा सेमरिया के दुर्गा जी, गोदना ब्राह्मण टोला के हनुमान जी, गोरिया छपरा के दुर्गा जी, बेंगा टोला के हनुमान जी के प्रतिमा के अलावा अन्य आंकड़े लाइन में लग जाते हैं। सभी आंकड़ा पहुंचने के बाद से वहां से जुलूस की शुरुआत होती है। दोस्तों, महर्षि गौतम ऋषि बाबा मंदिर से सभी आंकड़े सेमरिया श्री नाथ बाबा मंदिर घाट के लिए रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, 5 से 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में जुलूस को 12 से 15 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि हर कदम पर सभी प्रतिमाओं की पूजा अर्चना आरती करने के लिए जुटी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है तथा इसी दौरान हर चौराहों पर लाठी भाला तलवार भांजने वाले
कलाकार अपनी कला की जादू पेश कर लोगों का मन मोह लेते हैं। ज्यादा समय हाई स्कूल चौक गौतम स्थान आखरा नंबर 2 पर भांजने वाले की तादाद बढ़ जाती है तथा समय लग जाता है। सेमरिया श्री नाथ बाबा मंदिर घाट पर पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रतिमा का विसर्जन यमुना घाघरा नदी में कर दी जाती है। दोस्तों, अगर आप विसर्जन मेला सजावट के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे चैनल पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप सभी को हनुमान जी सुख संपत्ति दें। मिलते हैं दोस्तों कोई और वीडियो में।